एक सुबह जब एक खतरनाक भेड़िया जंगल में अपना शिकार कर रहा था, उसने एक बगलों की फैमिली देखी जो आसमान में उड़ रही थी। वो जानता था कि उन्होंने पहाड़ी में अपना एक घोंसला बनाया हुआ है जिसमें उनके अंडे हैं। और फिर उसके जहन में एक आइडिया आया। आज के खाने का इंतजाम तो हो गया, बगले के अंडे। बस मुझे ये सोचना होगा कि उस पहाड़ी तक पहुंचना कैसे है। और बगलों के उस घोंसले के पास ही एक छोटी सी बत्तख आराम कर रही थी। उसके भाई ने उसे उठाने के लिए जोर से घंटी बजाई। हे, उठ जाओ अब। क्वाक 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 क्वाक। बत्तख उठी और फौरन उछलने लगी। हाँ? क्यों उठाए हैं मुझे? हम लोग उड़ने जा रहे हैं, मामा अंडों का ख्याल रख लेंगी, लेकिन तुम सोना मत, ऐसा ना हो कि भेड़िया खा जाए तुम्हें। भेड़िया? हाँ, क्योंकि तुम हमारी तरह ऊंचा नहीं उड़ सकती। तो फिर कुछ देर के बाद मुलाकात होती है, बाय छोटी बत्तख। लेकिन वो ये बात नहीं जानते थे कि भूखा भेड़िया उन्हें देख रहा था और प्लानिंग कर रहा था। और फिर जब सारे बगले हवा में उड़ गए तो छोटी बत्तख ने उनके पीछे जाने की कोशिश की। अपने छोटे छोटे पर हिलाकर उसने उड़ना चाहा। उसने सोचा कि एक दिन शायद वो भी उड़ पाए। लेकिन जब वो प्रैक्टिस कर रही थी तो उसकी नजर एक चीज पर पड़ी जो झाड़ियों के बीच में चमक रही थी। अरे, ये क्या है? जो चमकती हुई चीज उसने देखी वो दरअसल रेड कलर के शूज थे। कितने खूबसूरत जूते हैं ये, पता नहीं मेरे पैरों में आएंगे भी या नहीं। जैसे ही छोटी बत्तख ने वो रेड शूज पहने तो वो जमीन से ऊपर जाने लगी और अचानक से उड़ने लगी। छोटी बत्तख फौरन से बगलों के पास जा पहुंची। वाव! देखो, छोटी बत्तख भी हमारे साथ है। वाव! तुम इतनी ऊंचाई पर कैसे आ गई? ये मेरे मैजिक रेड शूज का कमाल है, देखो। वहीं नीचे ही भेड़िया उन्हें देख रहा था और वो हैरान हो गया। मैजिक रेड शूज? हाँ, अब मेरे पास एक प्लान है। रात के वक्त जब छोटी बत्तख और सारे बगले सो रहे थे तो भेड़िया दबे पांव उनके पास आया। वो रेड शूज अंधेरे में भी बहुत चमक रहे थे। उसने अपने पंजों को आगे बढ़ाया और वो रेड शूज चुरा लिए। कल सुबह सबसे पहले मैं बगले के अंडे का ऑमलेट खाऊंगा। सुबह होते ही जैसे ही छोटी बत्तख की आंख खुली तो वो ये देखकर परेशान हो गई कि उसके रेड शूज वहाँ पर नहीं थे। अरे नहीं, मेरे शूज, मेरे मैजिक शूज कहाँ चले गए? अब मैं कैसे उड़ूंगी? छोटी बत्तख फौरन से अपनी माँ को ढूंढने लगी और अपने बहन भाइयों को भी। मम्मी, भाई, आप दोनों कहाँ हैं? लेकिन छोटी बत्तख को वो कहीं नहीं मिले। अब मैं अपने मैजिक रेड शूज के बगैर कभी भी नहीं उड़ पाऊंगी। जब छोटी बत्तख अपने शूज गुम होने की वजह से रो रही थी तो उसने देखा कि भेड़िया हवा में उड़ रहा है। मैं उड़ रहा हूँ। अब बगलों के अंडों की बारी है, नाश्ते का वक्त हो चुका है। ओह, मेरे शूज, भेड़िये ने मेरे मैजिक शूज चुरा लिए। छोटी बत्तख ने भेड़िये का पीछा करने की बहुत कोशिश की लेकिन उसके छोटे छोटे पर उसकी उड़ने में मदद नहीं कर रहे थे। और फिर वो बेचारी थक कर जमीन पर गिर गई। मुझे उन अंडों को उस खतरनाक भेड़िये से बचाना होगा। ओह, काश मैं उड़ सकती। भेड़िया मैजिक शूज पहने हुए उनके घोंसले के पास पहुंचा और बगलों के अंडों की तरफ बढ़ने लगा। छोटी बत्तख उसे देख रही थी कि वो एक एक करके सारे अंडे चुरा रहा था। बगले के अंडे खतरे में है, मुझे उसे किसी भी तरह रोकना होगा। छोटी बत्तख ने एक बार फिर से हिम्मत की और अपने छोटे छोटे परों की मदद से उड़ने की कोशिश की। आखिरकार छोटी बत्तख हवा में उड़ने लगी और ये ऐसा पहली बार हुआ था। मैं उड़ सकती हूँ। हाँ, मैं उड़ सकती।
छोटी बत्तख उड़कर भेड़िये के पास पहुंच गई। उसने चुपके से मैजिक शूज के तस्मों को पकड़ा और अचानक से खींच लिया। आह, ये तो छोटी बत्तख है। शूज? और उसी वक्त सारे बगले छोटी बत्तख के पास आ गए और उन सब ने मिलकर भेड़िये को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। भेड़िया पहाड़ी से सीधा दलदल में जा गिरा। मदद करो। बगलों ने छोटी बत्तख का शुक्रिया अदा किया कि उसने उनके अंडे बचा लिए। अब तुम भी हमारी तरह ऊंचा उड़ सकती हो प्यारी बत्तख। तो आज के बाद हम सब एक फैमिली की तरह साथ साथ उड़ेंगी। छोटी बत्तख बहुत ज्यादा खुश थी कि वो अब उड़ सकती है और उस दिन उसे एहसास हुआ कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें कोशिश करते रहना चाहिए और उसे किसी मैजिक शूज की जरूरत नहीं। अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है हिम्मत। तो फिर वो छोटी बत्तख वाहिद ऐसी बत्तख बन गई जो कि बगलों के साथ आसमानों में उड़ सकती थी।